गेहूँ तो गेहूँ होता है ना, तो उनका आटा 37 रुपए किलो क्यों जी? हमारा तो सिर्फ 17 रुपए किलो, 19 रुपए किलो। और मोदी को इतनी शर्म नहीं कि लोगों के बच्चों को भूखा मार रहा है वो? यू देश के इतना देख रहा सारा इतना कोई जगह। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बिलों को लेकर दिल्ली में किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का सरकार की तानाशाही को लेकर आक्रोश का उबाल लगातार बना हुआ है। वहीं बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का ये कहना है कि गणतंत्र दिवस को लेकर उनकी ओर से भी परेड ग्राउंड में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए बीते दिन किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाल कर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं पेश है न्यूज 31 उत्तराखंड की ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हम बात करेंगे किसानों से कि नौवे दौर की बातचीत से पहले जिस तरह से उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उस ट्रैक्टर मार्च का क्या असर पड़ेगा आज की वार्ता पर। नमस्कार सर। नमस्कार। बताएंगे आपके, आपने जो भी कल नौवे दौर की बातचीत से पहले ट्रैक्टर मार्च निकाला, क्या असर पड़ेगा सरकार का? पूरा असर पड़ेगा, पूरा दबाव पड़ेगा। और ट्रैक्टर मार्च हमारा रिहर्सल है, 26 जनवरी को परेड में हम शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार का तंत्र अपना रिहर्सल कर रहा है 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए, उसी अंदाज में उसी तरह से हम लोग भी रिहर्सल कर रहे हैं 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए। और सरकार पर पूरा दबाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा। मतलब सर, अगर सरकार आज भी बातचीत से बात नहीं बनती है तो आप 26 जनवरी को परेड करेंगे? 100% निश्चित करेंगे। हम भी 26 जनवरी को, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है? गणतंत्र, गण होती है जनता, जनता का दिवस है वो, कुछ नौकरशाहों का और राजनेताओं का दिवस नहीं है, वो हम सब का दिवस है। हम सब सेलिब्रेट करेंगे, हम भी उसका हिस्सा होना चाहते हैं। भारत का किसान अब क्लास डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, क्लास में नहीं बटेगा, भारत का किसान भी हिस्सा लेगा। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल कि ये बताइए, इन कानूनों से आपको दिक्कत क्या है? देखिए, यदि हम शुरुआत करें इन तीन कानूनों में, मैं इसके थर्ड वाले पॉइंट पे जाता हूँ, जहाँ पे इन्होंने भंडारण, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी भंडारण को ख़त्म कर दिया, जो सीमाएं हैं आवश्यक वस्तुओं के, जो कि कीमतों को निर्धारित करने का काम करती हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया। एक बात बताइए कि जब जमाखोरी बढ़ जाएगी तो इसका सीधा संबंध तो कालाबाजारी से है, तो जमाखोरी और कालाबाजारी से किस किसान का हित हो जाएगा या किस समाज का हित हो जाएगा? ये तो पूरे देश में सीधा सीधा एक हाहाकार मच जाएगा जब चीज़ों का असीमित स्टॉक हो जाएगा। आपको पता है कि जब जो है कोई भी आवश्यक वस्तुएं एकदम से आसमान छूती हैं रेट, उनके पीछे मूल कारण तो उनकी जमाखोरी होती है। तो एक तो ये बताइए, इस तीसरे कानून में ही जमाखोरी और आपकी कालाबाजारी। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट खेती। बार बार सरकार सफाई देती है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसी किसान की ज़मीन नहीं जाएगी, नहीं बिकेगी, नहीं हड़पी जाएगी। इसके विषय में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वह फसल पे तो लोन ले सकता है, बैंक में जाते हैं अपना बिजनेस प्लान बताते हैं कि किसान से हम इस रेट में जो है फसल खरीदेंगे, इस रेट में बेचेंगे, हमारा ये प्रॉफिट होगा, आप हमें लोन ले दीजिए। तो बैंक इतने उदार हैं कि किसान को लोन देने के लिए तो चाहे वो उसकी जो है एडी घिसवा दें, लेकिन कारपोरेट को तो लोन वो विद इन मिनट दे देते हैं, और इतना दे देते हैं जितनी उसे, आपको पता होगा कि बैंकों को चूना लगा के कुछ कारपोरेटर हमारे देश से उड़न छू भी हो चुके हैं, उनका नाम भी आपको पता होगा। ये हमारा 45 लाख करोड़ का नुकसान होगा, मोदी सरकार पर WTO का दबाव है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दबाव है, जब इस कारण बिल वापसी नहीं हो रही, और अडानी अंबानी को बढ़ावा देना चाहिए। आप ये बताओ, स्टॉक किसान लगाओगे के स्टॉक वो बिल से पहले बड़े बड़े अडानी अंबानियों ने कॉरपोरेट घराने के फील्ड खरीदने स्टार्ट कर देते। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि अगर अडानी अंबानी कंपनियां लगाएंगे तो देश में रोजगार आएगा। देखो रोजगार पन्नू बताओ, ये कह रहे अडानी अंबानी रोजगार देवा, अच्छी बात है, उनका नाम हो जाए मेरे भारत के, पर मेरे किसानों का तो छीन लो। किसान तो पूरे देश का पेट भर है। आप ये बताओ, सेलिब्रिटी को बढ़ावा देना चाहिए। बाबा रामदेव ने टैक्स छुपाने के लिए ट्रस्ट बना दिया। बाबा रामदेव का 5वें नंबर पर स्थान था पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका की प्रति में, जिस टाइम पर हमारा कानून चला ना, आज वो 23वें नंबर पर जा चुका है, उसको शर्म नहीं आती, वो इस देश का खाता है। मतलब सर, ये वाली एक चीज है कि सरकार लगातार ये चीज कह रही है कि किसानों को बिल समझने में दिक्कत, समझ नहीं पा रहे हैं वो बिल, किसान कहीं ना कहीं कमजोर है कि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे, ये बिल तो उन्हीं के हित में है, लेकिन किसानों को ये बात समझ
नहीं होगी। क्या लगता है आपको कि क्या कमी है इन के हिसाब से? इसमें कमी बताऊं क्या है? एक तो स्टॉक मार्केट दिया है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ देश में नहीं चलने का, छोटे किसान है अमेरिका में रूस में इसलिए चल रहा है, वहाँ बड़े किसान है। दूसरी बात एक और, वो तो कह रहे हैं ना कि मझोले और छोटे किसानों के लिए तो ये बिल ज्यादा फायदेमंद है। नहीं बिल्कुल नहीं है फायदेमंद, वहाँ जो है ना घाटा हुआ है, वो सरकार 42 लाख रुपए सब्सिडी दे रहा है, यहाँ 15,614 रुपए सब्सिडी है, उस कनाडा में उठा के देख लो 7 लाख, चीन में देख लो 5 लाख, यहाँ सरकार नहीं घाटा पूरा कर सकती, यह बात है। दूसरी बात एक और, इन्हें पैन कार्ड पर स्टॉक सीमा लगाई, इसमें पैन कार्ड का देख लू बताओ, अडानी अंबानी स्टॉक लगाऊंगे किसान नहीं लगाने का, क्योंकि आप देख आलू 200 रुपए किलो बिका तो हमारा चीज 5 रुपए में खरीदेंगे, 200 में बेचेंगे, इसमें फिर हमारी जमीन लीज पर चली जा गया। तो सरकार तो कह रही है ना कि जमीन, सरकार ये हवाले दे रही है कि अगर आप दूध बेचते हैं तो कोई आपके घर से आपकी गाय भैंस तो खोलकर थोड़ी ले जाता है, तो अगर आप अगर अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देंगे तो वो आपको पैसा देंगे, वो आपकी जमीन पे आधिपत्य थोड़ी जमाएंगे। देखो ये गुजरात मॉडल में ना कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का था प्रधानमंत्री में, जिस टाइम 2014 में आया 2000 इसमें, यहाँ गुजरात मॉडल आओ, उन्हें वहाँ कानून ऐसा बनाए रखा, वहाँ मेरा दोस्त था एक पंजाब था, उन्हें 6 किले जमीन के लिए 30 बीघे जमीन, वहाँ जिस IAS और PCS थे उनसे बहना वो होगा, बहना होने से बाद में एक हमारे यहाँ होता है इंतकाल, उसको बोल रहा है दाखिल खारिज हमारे उत्तर प्रदेश में, वो दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस जमीन पर लोन नहीं बिका, MSP पर फसल नहीं बिकी, 2006 में APMC मंडी एक्ट खत्म कर दिया था बिहार सरकार ने, आज बिहार के किसान का हाल देख लो पूरे देश में। सरकार तो कह रही है कि बिहार में तो काफी ज्यादा अच्छे, पूरे देश का आज पूरे देश का बिहार बढ़िया है। सरकार तो ये भी कह रही है कि हमारे यूपी के किसान सारे अच्छे हैं, सरकार तो सब कुछ कह रही है। वो पतंजलि वाले ले लो कि हमारा गेहूं 17 रुपए किलो और उनका आटा 37 रुपए किलो, ये क्या कोई वो थोड़ी है? पतंजलि रामदेव ने तो नहीं उगाया, हमारा ही तो खरीदा है। पतंजलि का हो तो कौन सा पतंजलि कंपनी ने उगाया गेहूं? तो गेहूं तो गेहूं होता है ना, तो उनका आटा 37 रुपए किलो क्यों, हमारा तो सिर्फ 17 रुपए किलो 19 रुपए किलो। किसान का हल होकर है, मोदी जी कह रहे हैं कि वैसे झूठ बोलने में नहीं है, 26 जनवरी पे इन्होंने करा कि भाई हम किसान का पूरा 14 दिन पेमेंट करा रहे हैं, हमारी सरकार आई है जब से पर हो रहा, झूठ बोलने में तो कोई हर्षाई ना होना। अभी तक आपकी गन्ने की फसल का पेमेंट नहीं हुआ, आगे का जीरो है, अभी हमारा पर्चियों पे देख 2014 में मोदी जी ने कहा था गन्ने का 1.5 साल रेट भी और प्रधानमंत्री ब्याज भी और भाव भी, सुनो झूठ बोल रहे थे कि एक बाइक किसानों को दे दिया। अभी तक अभी किसान ने सम्मान, सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना बनाई है जिसके तहत तो पैसे डाले जा रहे हैं हर सालाना 6,000 रुपए आपके खातों में आए, समीत ले रहे हैं उसे किसान से, बिजली का बिल बढ़ा दिया, बिजली का मतलब यू है कि जब गन्ने का पेमेंट इन्होंने 14 दिन का वायदा करा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, आज कैबिनेट में पास करो, इन्होंने करा कमेटी बना दी, कमेटी बनाएगा आज लो मिट्टी गोली दे रही है किसानों को, कहाँ हो रहा 14 दिन के बजाय में 1 साल में पैसा मिल रहा, पर का पैसा अभी नहीं मिला हमारा, जब 2 महीना हो गए, अभी तक हमारा 2.5 महीना होगा मिल चलते, 2.5 महीने में अभी जीरो है हमारा, यू पता नहीं हमें गन्ने का क्या मिलेगा, नहीं बनाई कोई भी, अभी जीरो है, पर्चियों में देखोगे जीरो आ रहा, यही बात बुझ लो, बताइए रेट पढ़ाई नहीं, ताऊ जी कहते रहे रेट रेट अभी पढ़ाई नहीं है, जीरो आ रहा हमारे किसान जो है जिद पर अड़े हैं, किसान हाथ में मोदी के, वो कर नहीं पाओगे, वो विदेशों में घूम रहा है। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी ये लगे प्रधानमंत्री हमारे, किसानों की तरफ को लिखाओ एक बार, किसान तुम्हारा भगवान है, किसानों ने सरकार बनाई, किसानों ने तुम्हें बनाया और किसान के तुम बच्चे हो, तो इसलिए अपने किसान को देखो। मोदी जी तो लगातार यही कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। कहां का समर्थन? समर्थन होता हम बताएं किसका समर्थन मिल रहा है, जिसका भी मोदी जी को समर्थन मिल रहा है, जिन किसानों का मेन स्ट्रीम मीडिया में, ध्यान से सुनिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके बहुत दोस्त हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनका नाम चला दे, लिस्ट चला दे, जिसका समर्थन उनको मिल रहा है, किसी का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, पूरे देश का किसान यहाँ है, एक भी किसान संगठन का नाम बताएं जिसका समर्थन 3 बिल को मोदी जी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कह रहा था 40 आदमी लिस्ट ले रहे हैं, वो फर्जी ले रहा है, हमें दिखा दो लिस्ट कहाँ पे, वो टीवी पे चलवा दो, हमें दिक्कत नहीं, हमारे चौधरी साहब को ऐसा कौन सा किसान मित्र है जो ये कह दे कि हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं होना चाहिए? किसान हित में कोई बात नहीं है, अगर किसान हित में होता तो किसान बावला नहीं है जो यहाँ आता। और दूसरी बात, ये सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि हमारे इतने किसान शहीद हो गए, हम उन्हें नमन करें, सरकार का एक भी नुमाइंदा
किसी मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दे देता तो इस किसान को थोड़ी तसल्ली हो जाती। फिर आप कहते हो, फिर कहते हो कि सरकार पर भरोसा नहीं। अरे काहे का भरोसा, क्यों भरोसा करें तुम पे भाई? जब तुम हमारे दुख में शरीक नहीं हो सकते तो हम तुम्हारे खुशी में क्यों शरीक हो? अपने किसान अपने मजदूर के लिए कुछ नहीं कर रही है ये सरकार। ये अब समझ में आ गया पूरे देश को, अब इनका झूठ नहीं चलेगा, अब झूठ तूफान बोलने से काम नहीं चलेगा। अब ये बिल वापस होंगे, MSP पे कानून बनेगा, तभी किसान यहाँ से उठेगा। अच्छा, अभी फिलहाल जो सातवें दौर की बातचीत हुई थी उसमें दो कानूनों पे तो मंजूरी दे दी थी सरकार ने, तो क्या लगता है कि अब जो कानून आ रहे हैं ये तीन कानून को लेकर क्या दिक्कतें हैं सरकार की? बात क्या है बेटा, ये सारा हमारा जो हमने पूरी एक सूची दी थी ना, जो पूरी एक सूची दी थी किसान को शुरू में, जो हमारी किसान यूनियन ने, उसमें सारी सारी मांगे थी। इन्होंने क्या किया, नीचे से उनको शुरू किया। जो हमारी मेन मांग थी, तीन कानून वापस हो और MSP पे कानून बने, वहां से तो इन्होंने शुरुआत ही नहीं की, क्योंकि तीन कानून ये जो है इस पर तो अड़े हुए हैं ना कि कानून तो वापस लेंगे नहीं। अगर MSP को वो कानूनी ढांचा पहना भी देते हैं और अगर कानूनों में इन तीनों कानून में संशोधन कर भी देते हैं, तब भी आप नहीं था बताई लाली हमने हमारे काम नहीं चला। एक मिनट रुको दीदी, मैम से भी बात करी थी, सारे एक हैं, संशोधन का काम नहीं चलेगा। किसान हो जाएगी, ये जो संशोधन पे काम नहीं चलेगा, जब इन बिलों में इतनी खामियां हैं तो इन बिलों का वापस क्यों नहीं करती सरकार? दोबारा जो है संसद का वो बुलाए सत्र, और खामियां तो सरकार भी मान रही है, 12 खामियां किसान बना रहे हैं। तभी तो जब सरकार खुद खामियां मान रही है, इन बिलों में खामियां है, तो सरकार इनको वापस क्यों नहीं लेती? एक मिनट, 15 बिंदु है इसमें, बता आपको ये वाली बात पता है ना? 85% 9 पॉइंट तो इन्होंने अपनी मर्जी से माने, गलत 12 हमने माने, कहा बचावा में तीन ही तो बचे, फाड़ो डिब्बे में घेरो जब बात करो। सही कहा बाबा ने, जब 85 नंबर से बच्चा फेल हो रहा है तो 15 नंबर क्यों वो करे, उससे कैसे पास होगा? हम चाहते हैं ये वापस हो, और शुरू दिन से इसी चीज की मांग रही है। आपने खालिस्तान मांग की, खालिस्तान की मांग की आपने की, इधर पूछो ना इनसे, पूछो आपने मांग की नहीं। ये तो मना कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं आपने की? आपने तो नहीं की सरकार है अंकल जी, ये साथ में मोर्चे में है, खालिस्तान की मांग की थी तुसी नहीं? फिर कैसे कह रही है? आज सरकार जो है रिलायंस फ्रेश से आप सब्जी लेते हो, नहीं लेते? रेडी से लेते हो? रिलायंस फ्रेश में अगर ये बिल पास हुए तो 600 रुपए किलो मटर बिकेंगे, ठीक है? और ये तो खाना तो भूल जाओ फिर तुम, ये जो मिल रहे हैं ना, अगर ये तो भूल जाओ फिर। जो लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गुरु नानक के भंडारे में से, जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था, आज वो सारा संसार खा रहा है। और मोदी को इतनी शर्म नहीं कि लोगों के बच्चों को भूखा मार रहा है वो, और दूसरों को लड़ा रहा है अपने बंदे कह के जी, बीच में किसान नकली भेज कर, कि इनको कोई हक नहीं चाहिए, सबको अपना हक चाहिए। जो नजायज हो रहा है वो जैसे आपने मुझे ड्राई फ्रूट्स की पन्नियां दिखाई, सरकार तो इस पर भी सवाल उठा रही है कि ये इतनी सारी जो ये पन्नियां हैं, ये सारी चीजें ये कहां से आ रही है? किसान के पास ये पन्नी नहीं, ये गुरु का लंगर है, ये गुरु का प्रसाद है, ये पन्नियां नहीं है। अगर आपको भी इतनी समझ नहीं है तो आप भी इसकी शिक्षा लेके आए पहले, ये पन्नी नहीं है। आप कह रहे हो, बात सुनो आप कह रहे हो ये कहां से आए? मेरी बात सुनिए, जो सरकार को इसका लंगर का मतलब नहीं पता, देखो ये बोल रहे हैं ये पन्नियां ये भी किसान पैदा करता है, कुछ चीज खाओ दुनिया में वो किसान पैदा करता है। वो कैसे कह देते हैं हम पैदा करते हैं, हम खा नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते, वो कौन है? आपने पूछा ये कहाँ से आए? यही पन्नियां अगर मैं कहीं मंदिर में भेजू तो नहीं पूछेंगे वो कहाँ से आए? कहीं मस्जिद में भेजू तो नहीं पूछेंगे कि ये भेंट कहाँ से आई है? ठीक है, एक मिनट, आप कमाते हो, कोई कमाता है 40,000 5,000 10,000, उसमें से अगर 1,000 जोड़ के भी लंगर लग सकता है, ठीक है? एक जरूरी नहीं एक बंदा के जो ब्लैक मनी हो, उन्होंने दिलजीत दोसांझ ने 1 करोड़ रुपया दिया उनको, इनकम टैक्स वालों ने रेट डाली, फिर पूछा कि 1 करोड़ कहाँ से है? उसको कमी नहीं है, ठीक है? पूरा बॉलीवुड खरीद लेगा। हम तो कहने जा रहे हैं जो भी कुछ दुनिया पर होता है, खाते हैं तो अन्न खाते हैं तो
किसान का फल खाते थे, किसान का फ्रूट खाते थे, किसान का जो भी किसान पैदा करता है। मोदी जी है किसानों की समस्या हल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज अगर कहीं भी तूफान आता है, कुछ भी कोई हो जाता है, भूकंप आ जाता है, बिजली गिरती है, कई हजारों लाखों बंदे वहाँ पर मर जाते हैं, वहाँ पर सिख कौम जाकर लंगर लगाती है, तब क्यों नहीं पूछा जाता ये पन्नी है? सरकार क्यों नहीं जाके वहाँ पर लंगर लगाती जो भूखे वहाँ पर मर गए, जिनकी छतें गिर गई हैं? सर, सरकार की तरफ से एक सवाल और निकल कर आया कि जिस तरह से आप ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं, उस वक्त आपने ये ट्रैक्टर रैलियां क्यों नहीं निकाली थी जिस वक्त आम आदमी पैदल चलकर अपने घरों को जा रहे थे? मैडम मेरे जब आपने कल ट्रैक्टर मार्च निकाला तो सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा ये बात कही गई कि ये लोग जो ट्रैक्टर पर रैलियां निकालते हैं और खुद को किसान कहते हैं, वो उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे जो कि मझोले किसान है, जो कि निचले वर्ग के किसान जो किसानों के घर पे मजदूर काम करता है, यूपी से जाते हैं वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो वो किसान ऐसे नहीं है कि उन्हें भूखा मार देंगे। वो अगर अपने खेतों में काम करवा रहे हैं ना तो रोटी भी देते हैं, तो उनके पंजाब में से कोई कहीं वापस नहीं गया था, दिल्ली के बिहार से जो आए हुए थे दिल्ली से वापस गए थे। सोनू सूद ने दूसरी बात ये है, दूसरी बात उन्होंने लॉकडाउन लगाया सबसे ज्यादा हमारे तहसीलों में बुझो किसानों ने मदद करी है, उसमें भी गरीबों को देने में हम ट्रालियां उस टाइम भी लगा देते, उस टाइम मना था, उस टाइम उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, ट्रालियां कैसे लगा देते लॉकडाउन में हम लोगों ने। तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों को इस वक्त आक्रोश उमड़ा हुआ है। किसानों की एक बात बिल्कुल साफ है कि जब तक किसान के बिल वापस, ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक किसान यूं ही बॉर्डरों पर डटे रहेंगे, अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक बिल वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसानों के हित में फैसला लेती है या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।